हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल, और उसमें हम लोगों ने देखा था मेरिट ऑफ मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफेक्ट्स ऑफ मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अगर इसके मेरिट्स हैं तो इसके कुछ डिफेक्ट्स भी हैं। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो 100% परफेक्ट हो। अगर मेरिट है तो डिमेरिट भी है। उसी तरह मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे मेरिट्स थे जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। ही हैज लेफ्ट गैप, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरिट ऑफ दैट दिस पीरियोडिक लॉ। सो मैनी डिफेक्ट्स आर ऑल्सो इन मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। तो हमारा जो फर्स्ट डिफेक्ट है वो है पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड इन मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन का पोजीशन इसमें फिक्स नहीं किया गया। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स with alkali metal metal as well as halogens। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टी अल्कली मेटल से भी रिसेंबल करती है और हैलोजन से भी रिसेंबल करती है। अब एक्चुअल में अल्कली मेटल्स क्या हैं, हैलोजन्स क्या हैं, ये हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन की जो अल्कली मेटल से रिसेंबल करती है और हैलोजन से रिसेंबल करती है, तो ये सब हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर में फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना। सेकेंड इनका डिमेरिट ये था कि एनोमेलस पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स एनोमेलस पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स ऑल्दो द एलिमेंट ऑफ द मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल हैज बीन अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, बट इन सम केसेस द एलिमेंट विथ हायर एटॉमिक मास प्रीसीड्स द एलिमेंट विथ लोअर एटॉमिक मास। एज एग्जांपल, आर्गन का एटॉमिक मास कितना होता है? 39.9। पोटेशियम का 39.1। तो आर्गन को पोटेशियम के साथ प्रीसीड कर दिया गया। उसी तरह अगर हम बात करें कोबाल्ट की 58.9, अगर बात करें निकल की तो एटॉमिक मास 58.7। मतलब नो जस्टिफिकेशन हैज बीन गिवन फॉर सम सच एनोमेलस पोजीशन। इज दैट, तो दिस इज आल्सो द डिमेरिट्स। वी कैन राइट एज कि In the Mendeleev
periodic table arranged in the order of increasing atomic mass, ठीक है, but in some cases the elements with higher atomic mass precedes 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 the atomic mass, with the lower atomic mass, element. ठीक है, अब अगर हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, जैसे हमारा है कौन सा, कोबाल्ट। मान लो हमारे पास कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास 58.9। अगर हम बात करें निकल, तो निकल का कितना होता है, 58.7। ठीक है, अब इन दोनों की अगर हम बात करें तो इन दोनों को एक साथ प्रेसिड कर दिया गया, यहाँ पर no justification given for such properties. इस प्रॉपर्टी के लिए इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया। अब अगर हम बात करें थर्ड की, तो जो थर्ड डिफेक्ट इनका था तो वो है पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। इन्होंने आइसोटॉप्स का पोजीशन डिसाइड नहीं किया, ठीक है, मीन्स देयर इज, हम लिख सकते हैं कि देयर इज नो एक्चुअल पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स हैज बीन डिसाइडेड इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे डिफेक्ट्स मॉडर्न में भी आए हैं, अभी आगे हम लोग मॉडर्न भी पढ़ेंगे, उसमें भी कुछ डिफेक्ट्स मिलेंगे। अगर हकीकत तो यही है कि कोई भी अगर एलिमेंट हो, कोई भी थिंग हो, अगर उसके पास मेरिट है तो डिमेरिट भी उसके साथ है। आप लोग भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो, आई एम इंटेलिजेंट बट आई हैव नॉट गॉट गुड मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, व्हाट इज दिस, कहीं ना कहीं आपकी डिमेरिट वहाँ पर हावी हो जाती है। डोंट थिंक सो। फोर्थ पोजीशन, डिफरेंट ग्रुप्स फॉर सिमिलर एलिमेंट्स। बहुत कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, लेकिन उनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया गया। किसमें? मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में।
ठीक है, जैसे अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं कि इन सम केसेस एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज हैड बीन केप्ट इन डिफरेंट ग्रुप्स। जैसे अगर मान लो एग्जाम्पल मिल रहे हो तो क्वाइनेज मेटल्स कौन कौन से होते हैं, तो अगर हम बात करें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब क्वाइनेज मेटल्स कहे जाते हैं। क्वाइनेज मेटल क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि इनसे हम क्वाइन बना सकते हैं। इन सब की एक तो प्रॉपर्टी कम से कम रिसेंबल करती है, इन सब की के क्वाइंस बनाया जा सकता है। इन सब से हम तार खींच सकते हैं, एक पतला सा तार बना सकते हैं। अभी जो प्रॉपर्टी इन लोगों इनकी रिसेंबल कर रही है, तो इन्हें डिफरेंट ग्रुप में क्यों रख दिया गया? सिंपल सी बात है, डिमेरिट्स। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ देखो ये दो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसे आप लोगों को याद रखना ही रखना है, जहाँ से आप मार्क्स गेन कर सकते हो 3। वैसे टोटल याद करो द बेस्ट। पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स, पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। तो इसमें क्या हुआ कि बोथ दीज एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज पोजिशन ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स, तो बोथ दीज एलिमेंट्स हैव बीन केप्ट इन द मेन सेट ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक Both these elements have not been kept in the main set of Mendeleev periodic table. क्या इन्होंने किया कि instead these elements have been placed in two separate rows at the bottom of पीरियोडिक टेबल, और वो भी कैसे, विदाउट
assigning a proper region. बिना किसी प्रॉपर रीजन के इन्होंने क्या किया कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज को पीरियडिक टेबल से बाहर दो रोज बना करके उसमें डाल दिया। ये एक अलग डिमेरिट है इनके। तो जब इतने सारे डिमेरिट्स हैं तो इन डिमेरिट्स को हटाना भी पड़ेगा। तो इनको इन सारे डिमेरिट्स को हटाने के लिए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है हेनरी मोसले। ठीक है, तो हेनरी मोसले ने क्या बताया कि इन्होंने जो भी पीरियोडिक टेबल दिया है वो सही है, इसमें नो डाउट कि इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन हैं। लेकिन इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि जब इन्होंने किसी मेटल पर इन्होंने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्ड किया, ठीक है, तो यहां से एक्सरेज निकली। कौन सी रेज? एक्सरेज निकली। और इन एक्सरेज को जब इन्होंने इन एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी को प्लॉट एक ग्राफ पर प्लॉट किया, फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर को, एक बार फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर को ग्राफ पर प्लॉट किया और दूसरी बार फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक मास को ग्राफ पर प्लॉट किया, तो इन्होंने दो अलग अलग इफेक्ट देखे। क्या देखे? यहाँ अगर इन्होंने फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक मास पर जब इन्होंने प्लॉट किया, इस एक्सरेज के फ्रीक्वेंसी निकाला, उसको अगर एटॉमिक मास से रिलेट किया, तो इन्होंने देखा कि कुछ इस तरह के ग्राफ्स इनको मिले और स्ट्रेट लाइन इनके जस्ट बीच से होकर जा रही है। मतलब कोई स्ट्रेट लाइन से इसको इनमें टच नहीं था, ये स्ट्रेट लाइन पर इस तरह से प्लॉटेड थे, कुछ इस तरह से इन्हें पॉइंट्स मिले। ठीक, जब यही सेम ग्राफ इन्होंने दिया विथ एटॉमिक नंबर, यहाँ अगर इन्होंने रखा एटॉमिक नंबर और यहाँ रखा फ्रीक्वेंसी, तब इन्हें एक स्टेट ग्राफ मिला सच एच। तो इन्होंने बताया कि ऑन द प्लेस ऑफ एटॉमिक मास, अभी तक फंडामेंटल यूनिट क्या हुआ करता था? एटॉमिक मास। इन्होंने बताया कि अगर एटॉमिक मास की जगह पर एटॉमिक नंबर को रखा जाए, इट मे बी पॉसिबल दैट ऑल दीज डिफेक्ट्स विल बी रिमूव्ड। समझ में आया? तो यहां से एक लॉ निकल कर आया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन of their atomic number। अब यहां एक चीज इन्होंने चेंज किया, जो पहले एटॉमिक मास हुआ करता था वो अब क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। इन्होंने बताया, किसने बताया? हेनरी मोसले। कुछ ये बात है अप्रोक्स 1913 और 14 की बात है।
कुछ ऐसा ही है, 1913 to 1914 होगा या फिर 14, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, नॉट द एटॉमिक मास, ठीक है। और यहाँ से ये जो इन्होंने बताया, इस ये निकल कर आ गया क्या, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और जब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आ गया तो यहाँ से शुरू होता है हमारा अगला कार्यक्रम, जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और इसी को कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो हम लोग आज स्टडी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि इसमें भी, इसमें बहुत सारे मेरिट्स हैं, ये बात सही है कि इसमें बहुत सारे मेरिट्स हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इसमें डिफेक्ट्स नहीं है, इसमें भी डिमेरिट्स हैं। अगर बात है सही, मेरिट है तो डिमेरिट भी है, इज दैट क्लियर। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ओके।